हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपको पता ही है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं स्पीडी में करंट अफेयर वाला भाग है वो देख रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि मेरे वीडियो में ट्रक की आवाज़ आती ही है, तो मैं कुछ उसके लिए कर नहीं सकता हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है जिसमें कि स्पीडी में हम पूरे साल का करंट अफेयर याद कर रहे हैं, तो उसमें मैं पिछले वीडियो में आपको मई, अप्रैल और मई का, ठीक है, अप्रैल में इनका करंट अफेयर आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपको ये देखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है जून का देखेंगे, और उसके बाद देखते हैं, कोशिश करेंगे कि जुलाई का भी इसी में कवर हो जाए, ठीक है। तो यदि आपको इसी तरह पूरा ईयरली करंट अफेयर चाहिए और मुझसे जुड़े रहना है, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को एक बार में बोलता हूँ, सब्सक्राइब करना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब अपन पढ़ाई पे आते हैं सीधे, तो मैं ये सब मिटा देता हूँ। और अपनी इंक जो है वो इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हम चालू कर देते हैं। तो अप्रैल और मई हो चुका है, तो 1 जून से चालू करते हैं अपन। ये रहा आपका 1 जून, है ना। तो 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है ना। इसके बाद 1 जून 2021 को TCS ने अपना यूरोपियन नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला है। तो इनने, ये TCS है इसलिए IMP है, और इसने यूरोपियन नवाचार केंद्र, जाहिर सी बात है, यूरोप की किसी कंट्री में खोला होगा। तो यदि आपको ऑप्शन में यूरोप ना हो तो आप लोग वैसे ही ऑप्शन को कट कर सकते हैं ना। तो इसने एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में, उसमें खोला था। इसके बाद उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेखता फाउंडेशन जो है, इसने किस शब्दकोश की रचना की है। तो रेखता शब्दकोश की है, क्योंकि सभी अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं तो अपने नाम का ही उन्होंने शब्दकोश बनाया है। इसके बाद है WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरियंट B1.617.1 तथा B1.6172 को क्या नाम दिया है। तो इसका नाम क्रमशः कप्पा और डेल्टा है ना। कप्पा जो है वो फर्स्ट जिसमें आएगा एंड में, और डेल्टा जो है उसमें सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, कौन सा। देखो इसमें क्या है, विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये जो है ये विश्व NTD दिवस होगा, ठीक है, वर्ल्ड NTD डे। उसके बाद क्या है, किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि को पुनः शामिल होने का फैसला किया है। तो अमेरिका ने रूस के साथ ओपन स्काई पॉलिसी में फिर से शामिल होने का फैसला किया है, ठीक है। इसके बाद है भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया। तो ये जो है इनका निधन, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, तो हम थे, ये जो है TM कल्याणन, ठीक है, ये जो है इनका निधन अभी अभी हो गया है। इनका निधन बहुत IMP है, इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि ये अपने भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे। अब आपको पता ही, कोई जीवित सदस्य नहीं बचा है। इसके बाद 31वां एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021, ठीक है, इसके क्या पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। तो ये चौथे स्थान पर रहा है, ठीक है, और इसमें फर्स्ट कौन रहा, ये कजाकिस्तान फर्स्ट रहा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, इसके बाद है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं। तो चीन के झोंगहोंग जो हैं वो बने हैं। इसके बाद भारत के स्वदेशी तापमान डेल्टा लॉगर AB Tech, है ना, AB Tech ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, को किसने विकसित किया है। तो ये IIT रोपड़ ने, इस, ठीक है। अब देखो 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। इसके बाद CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम से नई तकनीक की शुरुआत की, तो स्वास्तिक नाम से की है, ठीक है। ये IMP याद रखिएगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम भी चल रहा है तो ये आ सकता है। इसके बाद है ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं,
तो शेफाली वर्मा जो है वो शीर्ष पे रही है। शेफाली वर्मा भारतीय, तो जो शेफाली वर्मा है देखिए इसके बाद क्या, आईसीसी महिला टी ट्वेंटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? शेफाली वर्मा शीर्ष पर रही हैं। इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया? नितिन राकेश एवं जेरी विंट को, ठीक है। इसके बाद है केंद्र सरकार ने TET पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो अब आजीवन हो गया है इसकी वैधता, ठीक है। इसके बाद है फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पे? तो ये 59वें स्थान पे है, 59वें स्थान पे, ठीक है। इंडेक्स बेस्ड फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, तो ये कहाँ पे किया है? ये छत्तीसगढ़ में किया है। कौन सा पार्क? इंडेक्स बेस्ड फूड पार्क, ठीक है। इसके बाद नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? ये जीता थॉमस विजियन और ये कनाडा के हैं, ठीक है। इसके बाद है किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? बेहतर पर्यावरण के लिए जीव ईंधन को बढ़ावा देना। फिर क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया? तो ये ASJ विद्या प्रकाश जी हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, असम के कोझिकोड जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो रायमोना पार्क जो है इसको किया गया है। इसके बाद है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया, दूसरा उड़ीसा ने, हालांकि दूसरा IMP नहीं है, अपने लिए फर्स्ट IMP है, ठीक है। इसके बाद कौन सा दिवस मनाया गया 7 जून को? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इनका नामकरण किस नाम से किया है? तो प्राण, वायु एवं स्वास्थ्य, ठीक है। इसके बाद है राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन इस अभियान की शुरुआत की, ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है दिल्ली सरकार ने, है ना। इसमें आप जितने भी वी लगाना चाहें लगा सकते हैं IMP के लिए। क्या, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किसने की है? दिल्ली सरकार ने की है। इसके बाद है भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया? तो AH, ये ट्रकों की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है ना। ALH MK3, ठीक है, ये नाम है इसका, ये आप यहाँ पे नाम अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया? रिया चक्रवर्ती को। आपके पास ये होमवर्क है कि रिया चक्रवर्ती किस चीज़ से जुड़ी हुई है ये आप पता करें। इसके बाद कौन सा दिवस मनाया जाता है 8 जून को? 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना है? तो डेबी हैविट जी, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद आगे है नीति आयोग ने पिरामिल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वेक्षण फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल, ठीक है। ये कुत्ता भी। कौन सा दिवस मनाया गया 9 जून को? विश्व प्रत्यायन दिवस, ठीक है। इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ये नाम है iFamilia, ठीक है। इसके बाद क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया? क्रिक्रू, ठीक है। इसके बाद है अल सल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दे दी है? तो क्रिप्टो करेंसी, इस बिटकॉइन जी जिसे आप नाम से जानते हैं, तो ये इसको जो है वैध मुद्रा अल सल्वाडोर ने मान लिया है।
हालांकि ये कई देश मानते और हटाते रहते हैं ये, ठीक है। इसके बाद देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? समुद्र कहाँ है? गुजरात में, गुजरात मैरिटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कॉर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत ने कौन सा रैंक मिला है? लगता है ट्रैक्टर पास ही में आके खड़ा हो गया है, परंतु अपन फोकस करें, 67 का रैंक मिला है। मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ जब तक आप लोग पानी आनी पी आइए, जब तक ट्रैक्टर चला जाएगा। दोस्तों वीडियो पॉज था, इंतज़ार की हद होती है, वो ट्रैक्टर नहीं जा रहा है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आगे पढ़ना चालू करते हैं, जो होना होगा होता रहेगा। जिसको देखना है वीडियो वो देखेगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस तो हर जगह है। मेरे पास ट्रैक्टर ट्रकों की डिस्टर्बेंस है, आपके पास किसी और चीज़ की होगी, तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू मे गो फॉर इट। दोस्तों ये कहते हैं, देखिए ट्रैक्टर बंद हो गया है, खैर अब हम आगे पढ़ाई चालू करते हैं। देखिए क्या है, प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग, स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये दिल्ली बन गया है ना। इसके बाद क्या है, ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पे है? तो ये कू प्लेटफॉर्म पे है। जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया? ये है तिसिसी डांगरेम्बेगा, थोड़ा सा नाम अजीब सा है दोस्तों पर चला लेंगे। फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता? डिज़ायर क्रॉसिक और जेस सैलिस बरी ने, ये दोनों ही ब्रिटेन की हैं। इसके बाद ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया? ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में है, ठीक है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के 23वें संस्करण का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तिलोत्तमा सोम को। सेहत कौन सा दिवस मनाया गया 12 जून को? 12 जून को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। उसके बाद क्या है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्ज़र से नवाजा गया? तो ये मेघा राजगोपालन है। उसके बाद फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची 2021 में किसे नामित किया गया? DBS बैंक को नामित किया गया। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, देखो इसमें क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, US ओपन होता है ना, और एक और होता है वो आपको बताना है। तो ये चार प्रतियोगिताएं साल भर में होती हैं, क्रम से होती हैं, ये किस क्रम से होती हैं ये भी आपको पता लगाना है। तो इसी में जो दूसरा ग्रैंड स्लैम है ये फ्रेंच ओपन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन और US ओपन। तो इसमें क्या होता है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, उन्होंने जीत लिया है। इसके बाद कौन सा दिवस 14 जून को मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस। इसके बाद पुणे की किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? तो ये थ्रिंसर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद क्या है, किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के लिए पहले चरण के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो लद्दाख को खुले में स्वच्छ मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके बाद है, भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मूज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? ऋषभ पंत, ठीक है। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना है? तो ये इसराइल है। किस दिवस के रूप में मनाया गया है 15 जून को? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 14वें स्थान पर, प्रथम इंडोनेशिया है ना। इसके बाद क्या है, ICC द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन है? तो ये स्टीव स्मिथ है, ऑस्ट्रेलिया के। इसके बाद ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? अभिनेता टाइगर श्रॉफ, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? अफ्रीकी देश है एक बोत्सवाना, यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद कौन सा दिवस 17 जून को मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ठीक है। इसके बाद क्या है, आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जनरली 15 जून से बरसात चालू होती है और सूखा का
अपन निवारण करते हैं ना, तो 17 जून 15 जून के जस्ट बाद आता है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। मध्य प्रदेश में जो बरसात है वो 15 जून से मानी जाती है, तो उस हिसाब से 17 जून को फिर मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विलय की घोषणा की है? तो ये कांग्रेस के साथ विलय की घोषणा की है। चीन ने लॉन्ग मार्च 2F, ठीक है, के जरिए किस मानव युक्त अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण किया? तो झांझोंग 12, ठीक है, सांझाओ 12। इसके बाद क्या है, दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतेह, माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बन गए? तो ये हैं महफूज इलाही, ठीक है। इसके बाद भारतीय युद्धपोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा ले रहा है? तो इन ईयू नेफोर, ठीक है। इसके बाद है विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 135वें स्थान पे है, प्रथम आइसलैंड है भैया, याद रखिएगा। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड-19 के कारण निधन हुआ? इट इज़ वेरी IMP मिल्खा सिंह, ठीक है। इस पर जितनी बार भी IMP के आगे वी आपको लगाना आप लगा सकते हो। इसके बाद क्या है, सूचना अनुसार पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भूटान के साथ भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अच्छा, 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व शरणार्थी दिवस है। इसके बाद क्या है, उस उड़ीसा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो आशीर्वाद योजना की घोषणा की है। इसके बाद किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? योग फॉर वेल बीइंग, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया गया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? वे स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अमेरिका में किस तूफान ने तबाही मचाई? तो ये क्लॉटेंड है, ठीक है, क्लॉटेंड जो है इसने मचाई। इसके बाद 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता, ठीक है, तो ये जीता है रेडबुल के हैं मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है, इन्होंने जीता है। इसमें जो है एक दो नाम और IMP है। हाँ, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे हैं फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है, तो रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, ठीक है। इसमें 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है, तो रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर का की किस महिला को भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ? माव्या सूदन है ये, इनको प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रो तोमर जी थे, इनके नाम से जाना जाएगा। यूरोपियन पुरस्कार आविष्कार 2021, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुमिता मित्रा को इसमें सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम पहुंच गए थे, कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? तो ये उड़ीसा बन गया है, ठीक है। इसमें मगरमच्छ की तीन प्रजातियां होती हैं, तीनों की तीनों अवेलेबल हैं। इसके बाद 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ICC विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 का खिताब किसने हासिल किया? तो आपको बता दें, आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 का खिताब न्यूजीलैंड ने हासिल किया है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि इसने किस देश को हरा के हासिल किया है, तो ये आप लोग देख लेना। अभी मैं बीच में फिर से थोड़ा सा एक शब्द बोलना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा बीच में आपको डिस्टर्ब करता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। और आप लोग भी समझिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही चीज़ है मेरे लिए जो मैं अब बोलने वाला हूँ। तो प्लीज़ 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 विथ हम्बल रिस्पेक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो यदि अच्छा लगता है देखा है तो उसको लाइक भी करें, और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें, और यदि कुछ इसमें गलत या सही कोई सजेशन देना है तो उसके लिए आपको
कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको पता ही चल गया है, आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मेरे लिए यही है। सब्सक्राइब, ठीक है, तो ये सब मैं मिटा देता हूँ। तो अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम पहुँच चुके हैं, कहाँ पर पहुँच चुके थे हम पहुँच चुके थे यहाँ पे। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 न्यूजीलैंड ने जीती है, किसको हरा के जीती है ये आपको पता करना है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी। वेरी वेरी वेरी, जितने वेरी लगा सकते हो, मोस्ट IMP है। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आने वाले रेलवे ग्रुप डी या कोई भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, ना आए तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया, कर्णम मल्लेश्वरी को। और कर्णम मल्लेश्वरी नौकायान से संबंधित थी कि किस चीज़ से संबंधित थी, जैसे भारोत्तोलन हो गया। मैं आपको बता, आपको खुद ही पता करना है, इसलिए मैं जानबूझ के कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो देखिए पता है। इसके बाद क्या बोलते हैं, ये इन्होंने कब पदक जीता, क्या उपलब्धि है इनकी, ये आपने इसके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। अब टोक्यो के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है को किसने गाया, मोहित चौहान ने गाया। जीनोम सिक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, राजस्थान बन गया है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया, तो रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार है इससे नवाजा गया। इसके बाद 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नाविक दिवस एवं बिटी लगो दिवस। ठीक है, इसके बाद क्या है, किन दो शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इंदौर और सूरत को। ठीक है, इंदौर जो है MP में है और सूरत जो है वो गुजरात में है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ से हैं इस कारण आप थोड़ा समझ सकते हैं, इंदौर ने भी अच्छी टक्कर दी है, बाकी दोनों ही शहर संयुक्त रूप से विजेता बन गए। कौन सा दिवस मनाया जाता है, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। ठीक है, वैसे भी आप नशा करते हैं तो कृपया करके छोड़ दीजिए, इससे कोई फ़ायदा कभी किसी को हुआ नहीं, तो आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी मैं देता हूँ। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, अब देखो, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया की सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है, तो तुर्कमेनिस्तान है, उसका एक शहर है अश्गावत। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद भारतीय तीरंदाज जो है अतनुदास, याद रखिएगा, अतनुदास तीरंदाजी से, और दीपिका कुमारी। ठीक है, इन्होंने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण के तीनों में मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत IMP है ना। पेरिस क्या बोलते हैं, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, भारतीय तीरंदाज अतनुदास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप। ठीक है, अब ये भी पूछ सकते हैं, तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं, अतनुदास किस खेल से संबंधित हैं, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। ये भी वो पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में अतनुदास ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ये भी बोल सकते हैं दीपिका कुमारी ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ये भी बोल सकते हैं कि भारतीय तीरंदाज अतनुदास और दीपिका कुमारी ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ये भी बोल सकते हैं कि भारतीय तीरंदाज अतनुदास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप के कितने चरणों में स्वर्ण पदक जीता, या ये भी बोल सकते हैं कि कौन सा पदक जीता। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण पदक भी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि रजत पदक होता तो ज़्यादातर ये पूछते कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, मगर ऐसा नहीं है। अब देखो, DRDO पे आ गए हम। DRDO ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो प्रशिक्षण ये है Agni-2। इसके बाद कौन सा दिवस 29 जून को मनाया जाता है, तो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, इट इज़ ऑल्सो IMP। किस देश ने यूरो कप के लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली पहली टीम होने का गौरव हासिल किया है, नया यूरो रिकॉर्ड भी बनाया है, तो ये स्पेन ने किया है। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया, तो तजिंदर सिंह तूर। ठीक है, इसके बाद जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार
ठीक है, से किसे नवाजा गया, तो पत्रकार साईनाथ को, पी साईनाथ है ना। अच्छा, किन दो देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 जारी किया, तो ये तुर्की और अजरबैजान, इसमें ये पूछ सकते हैं कि किस देश, तुर्की के साथ किस देश ने ये शामिल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अतातुर्क है, तो अतातुर्क से आप तुर्की वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो अजरबैजान है तुर्की के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोफेसर पी सी महलोनोविस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, डॉक्टर आर बी बर्मन, ठीक है। इसके बाद कौन सा दिवस मनाया गया 30 जून को, तो 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय सत्याग्रह दिवस मनाया गया। इसके बाद ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता, तो राही सरनोबत, ठीक है। इसके बाद है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है, सैफ अली वर्मा, बहुत ही अच्छी बल्लेबाज है सैफ अली वर्मा, मेरी जो फेवरेट खिलाड़ी है। अब देखो, कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्रियों को नियुक्त करेगी, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये ऐसा काम करेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे इतना आ गया है कि डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो ये अंशुला राव बन गई है ना। इसके बाद भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा, तो 2022 में विक्रांत जी उतर आएंगे, मतलब अपने सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए। अब ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित होगा, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इसके बाद किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है, तो चीन ने बनाया है। किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड ट्रैक टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया, इंदौर के पीथमपुरा में, ठीक है। अब कौन सा दिवस मनाया गया 1 जुलाई को, ओ हम जुलाई में आ गए, जुलाई हमें अभी पढ़ना नहीं था, खैर चलिए चालू आ ही गया है तो अब कर ही देते हैं, जुलाई को और निपटा देते हैं, इसमें भी 2 महीने हो जाएंगे ना। तो जुलाई वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो ये 10वें स्थान पे, प्रथम स्थान पे कौन है, अमेरिका है, ठीक है। इसके बाद 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुई, फ्रांस में संपन्न हुई है। इसके बाद क्या है, वर्ष 2020 में कुबेम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है ना। इसके बाद हम आ गए हैं, कौन सा दिवस 1 जुलाई को मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंट CA दिवस, ठीक है। इसके बाद सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा, 12 साल के हैं ये मात्र ग्रैंड मास्टर बन गए, हमारे यहाँ तो 32 साल के इंसान, 25 साल के इंसान, 20 साल के इंसान भी पबजी और फ्री फायर से ही परेशान है, वो उसी में रैंक पुश करते नज़र आते हैं। खैर क्या कर सकते हैं, देश की विडंबना है कि ऐसे युवा भारत में भी हैं। कौन सा दिवस मनाया गया 2 जुलाई को, विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2021 को जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 20वें स्थान पर रहा, प्रथम कौन है, अमेरिका है, याद रखिएगा, प्रथम भी पूछ सकते हैं और भारत का स्थान भी अच्छा है इसलिए पूछ सकते हैं, किसमें, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में, ठीक है। अभी देखो, LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष तक बढ़ाई गई है, तो ये 62 वर्ष कर दी गई है। अभी आपको बता दूँ, LIC का IPO भी आने वाला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है, तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। कौन सा दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है। ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, नॉर्वे के कस्टन वारहोम ने बनाया। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, चीन में मलेरिया नहीं है भैया, याद रखिएगा, यदि आपको मलेरिया से बचना है तो चीन जा सकते हैं, पर प्लीज़ नेशन फर्स्ट याद रखिए, वी आर प्राउड बिकॉज वी आर इंडियन। थोड़ा इंग्लिश गलत हो गई, कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी होमवर्क है कि मैंने जो अभी सेंटेंस बोले हैं उसमें पहला सेंटेंस गलत है, सही मैं बोलना नहीं चाहता, आप लोग कमेंट में लिख के दीजिए कि ये
कैसे बनेगा। मैंने बोला था, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, वी आर प्राउड बिकॉज वी आर इंडियन। इसमें जो एरर है वो एरर सुधार के आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये आपका छोटा सा एक टेस्ट है। अब देखो, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना? गोवा बना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़, ठीक है, ये याद रखी गया। त्यांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन का पहला स्पेस वॉस किसने पूरा किया? तो ये चीनी अंतरिक्ष यात्री ने, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? आर्मेनिया के हैं लेवोन ओरिनियन ने, ठीक है। इसके बाद क्या है, FIDE chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? चीन के हाउ फियान ने। उप विजेता कौन थी? डॉक्टर हरिका, ये भारत की थी, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? मिताली राज, जो कि भारत की बहुत ही शानदार क्रिकेटर है। इसके बाद है, जो किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो जयपुर में बनेगा, जो कि राजस्थान में जयपुर, ठीक है। अच्छा, किस देश ने बेहतर मौसम के पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। अच्छा, सुपरमैन लीथल वेपन, इनके निर्देशक का निधन हो गया है, ये बहुत ही हिट पिक्चर है, ठीक है। तो ये इनका जो नाम था, ये रिचर्ड डोनर था। तो ये पूछा जा सकता है, रिचर्ड डोनर किस चीज़ से संबंधित है? मीडिया वीडिया खेल वेल आप भी समझ गए होंगे, तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। और ये भी आ सकता है कि सुपरमैन के डायरेक्टर कौन है, लीथल वेपन के डायरेक्टर कौन है। नहीं देखें तो आप ये पिक्चरें देख सकते हैं इनकी श्रद्धांजलि में, ठीक है। अब देखो, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइंस ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो ये कोरियन एयर ने जीता है, ठीक है। अच्छा, कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 जुलाई को विश्व जुनोजा दिवस। अच्छा, 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस। अच्छा, किस देश के राष्ट्रपति जेवनेल मॉइस की राजधानी पोर्ट आ प्रिंस में घर में ही हत्या कर दी गई? ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, हैती के थे ये, देख लीजिए आप कितने सेफ देश में रहते हैं भारत में, वरना लोगों के यहाँ तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे लोग भी सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ तो आम जनता की भी हत्या नहीं हो सकती, बहुत अच्छा कानून है हमारे देश का, पुलिस मैं बहुत विश्वास कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पर, है ना। अपना हर पुलिस वाला, हर आर्मी वाला ये सुपर कॉप है, सुपर सोल्जर है, याद रखिएगा, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे ये जान भी लगा देते हैं अपनी, ऐसे देश में आप गर्व कीजिए, ठीक है। अब महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? महाराष्ट्र और पुणे में, ठीक है। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब देखो क्या है, एसोचैम ने जैम 5-स्टार रेटिंग से सम्मानित किसे किया है? तो ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है ये आपको बताना है, ये इसका प्राइवेटीकरण हुआ है कि नहीं ये आपको पता करना है। प्राइवेटीकरण हुआ है तो उसमें, चलिए ठीक है, इतना ही पता कर लीजिए आप, बहुत ज़्यादा पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु, ठीक है। कौशिक बसु किस क्षेत्र से संबंधित है? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारतीय सेना की किस अभिनेत्री के नाम पे अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है? विद्या बालन फायरिंग रेंज हो गई है, ठीक है। भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिली है? तो ये नई दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को मिली हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या है, बेलग्रेड क्या है? सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने जीता है। अच्छा, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया? डेनमार्क, ठीक है। इसके बाद भारतीय नौसेना पोत INS तबर ने किस देश की नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया?
तो इटालवी है ना, इटली की नौसेना है, इटालवी नौसेना। अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया? सूरत में किया भैया। इस समय देखिए जो भी चीज़ हो रही है ज़्यादातर गुजरात साइड हो रही है, तो यदि गुजरात के ऑप्शन हो उन पर खास ध्यान दिया करें, जिसमें सूरत, अहमदाबाद, ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे शहर हैं। अब देखो ये क्या है, वर्ष 2021 का स्क्रप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीती? जायला अवंत गार्डे ने। अब किस राज्य द्वारा जनसंख्या, देखो नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पारित किया गया? तो यूपी के द्वारा पारित किया गया, ये आईएमपी, क्योंकि यूपी में अभी चुनाव हुए हैं। ठीक है, और फिर से एक बार नवनिर्वाचित कौन हुआ है ये आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो आप पता कर लीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? एरिक। ठीक है, इसके बाद क्या है, विम्बलडन टेनिस 2021 में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच तथा एशली बार्टी ने ये जीता है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं हम, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गैर बीज वाले पौधे, ठीक है, का उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये उत्तराखंड के देवबन में किया गया है। अच्छा, कहाँ में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये नागपुर में किया गया है। ठीक है, अच्छा, किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट्स सोबराना 2 विकसित किया है? क्यूबा। ठीक है, क्यूबा यहाँ पे IMP है, क्योंकि एक बहुत कम चीज़ों में क्यूबा का नाम आता है, तो ठीक है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शिरीषा वंदाला, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, कौन सा दिवस 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस? ठीक है, उसके बाद कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा कर जीत लिया है। अर्जेंटीना के फेमस खिलाड़ी का नाम, चलो एक मैं ही बता देता हूँ, हर चीज़ क्या होमवर्क में, लियोनल मेसी। देखिए जो मैं बोलता हूँ होमवर्क में, मतलब वो IMP होता है, उसके बारे में आपको खुद को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ, वरना मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, पर मैं सोचता हूँ आप पढ़ोगे तो उसके आसपास का पता चल जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक तरीके के ट्रिक या हैक समझ लो। अच्छा देखो, 2020 यूएफा यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता? इटली ने। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा कर जीता। ठीक है, क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता? मैक्सिमस वर्चियर लैग्रोव। ठीक है, ये फ्रांस के हैं। अब देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। इसके बाद क्या है, किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया? नेपाल ने किया। ठीक है, अच्छा, कौन सा दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस है। ठीक है, मलाला यूसुफ जाय, जो कि आपको पता ही होगा, नोबल जीता था इन्होंने। ठीक है, किसके साथ मिलके जीता था, मतलब इनके साथ एक जन को और मिला था। ठीक है, वो देख लीजिए, इन लोगों के क्या बोलते हैं उसको, NGOs के नाम आपको पता होने चाहिए, देश पता होने चाहिए, पाकिस्तान है कि क्या है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्ला रियाद ने टेस्ट क्रिकेट के से संन्यास ले लिया है? बांग्लादेश से। ठीक है, अब NTPC कहाँ में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? तो गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, ये गुजरात का कच्छ का रण जो है ये गधों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कृपया गधे मत बनिए, आप पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के भीम UPI QR पर आधारित भुगतान को अपनाने वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये भूटान बन गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। अच्छा, किस राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की? असम ने ये घोषणा की है। देखिए कभी कभी ट्रक निकलते हैं, पर क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे डिस्टर्ब नहीं होता, उम्मीद है आपको भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पूरे टाइम तो ट्रक निकलते नहीं है ना, तो इसलिए मैं एक बार फिर से वो बात कह देता हूँ जो मेरे दिल में है, और इस बार मैं बात करूँगा हरी स्याही से। तो आप लोगों को इस चैनल को
जो करना हो करना, नहीं करना हो तो मत करना। अब देखिए इसके बाद क्या है, यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता, पुर्तगाल ने। पुर्तगाल के कप्तान कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारतीय नौसेना ने को अमेरिका स्थित एयरोस्पेस कंपनी से कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ, तो P-8I। ठीक है। अब इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है, तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहली भारतीय कौन बने हैं, तो दीपक कावरा ये बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, किस देश को वर्ष 2023 किस देश को वर्ष 2023 को BWF सुधीवरामन कप की मेजबानी मिल गई है, तो ये चीन को मिल गई है। अब आपको ये पता करना है कि ये BWF सुधीवरामन कप किस खेल से संबंधित है, क्या ये बैडमिंटन से संबंधित है, क्या ये फुटबॉल से संबंधित है, क्या ये हॉकी से संबंधित है, क्या ये लूट, जो भी आप देखो आप जानो आपका काम याद है, देख लेना बस। ठीक है, मेजबानी मिल गई है तो ये अब देखो। किस देश को 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, बहुत IMP है कि मेजबानी मिली है, क्योंकि ये भारत को मिली है 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होगी उसकी मेजबानी भारत करेगा, ये बात याद रखिए। अब T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो क्रिस गेल बन गए। बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं, सिक्सर किंग भी हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। अच्छा, समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया, भारत, श्रीलंका, मालदीव ने भाग लिया है। अब ये 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया, AR रहमान ने लॉन्च किया, इसकी गायिका कौन है, अनन्या बिरला। ठीक है। अब देखो, भारत को किस शहर में पहला ग्रेन ATM खोला है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में खोला है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में एक का अनावरण किया गया है, कहाँ किया गया है, सिंगापुर में किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब देखो कौन सा दिवस मनाया गया है, कब, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ठीक है। इसके बाद किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की जाएगी, हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है। देखो अब ये आप देख लीजिएगा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के अंदर क्या है। इसके बाद औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बन गया, तो ये गुजरात न्यायालय। ठीक है। अब कार्यवाही होगी तो उसकी औपचारिक रूप से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, कैमरे वैमरे लगे होंगे। ठीक है। देश तरक्की कर रहा है, अपन को भी तरक्की करना है। अब असम के किस जिले ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता, तो कछार जिले ने जीता है। ठीक है। इसके बाद कछार जिले ने, अब देखो 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पॉम डी ओर किसे दिया गया, फिल्म टाइटन को दिया गया। ठीक है। अच्छा, 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया, अच्छा, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को के कारण दिया गया। ठीक है। अच्छा, वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, 18 जुलाई को, तो ये नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर अधिकतम कर दिया गया, तो ये 74% कर दिया गया है। अच्छा, भारत के जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण चालू किया गया है, तो ये नेपाल के कुर्था। अब ये देखो जयनगर कहाँ पे, ये आपको पता करना है, इट इज़ ऑल्सो IMP, नेपाल का कुर्था है, यहाँ तक एक रेलगाड़ी अब चलेगी। अब देखो आगे। अच्छा, माफ़ कीजिएगा बीच में वीडियो पॉज हो गया था, पर कोई बात नहीं है। किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई, मंकी वी वायरस के कारण। ठीक है। अब देखो, मध्य प्रदेश की ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो रमेश मंडेला को। यूरोपीय संघ में कितने देशों ने कोविड शील्ड को मान्यता दे दी, 16 देशों ने दे दी थी। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने जीता।
भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने किसे हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली? तो ये रूस के हैं, अभी मैं बताता हूँ क्या नाम है, जरा आप पेज को जमा लो। तो ये रूस के व्लादिमीर क्रेमोनिक को है ना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया? माक फल। तो ये भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? गुजरात के कुर्निया गांव में। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो केरल की। ठीक है, भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ विस्थापित करने का निर्णय लिया गया है? नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। इसके बाद ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। उसके बाद कौन सा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाएगा? तो 20 जुलाई को मनाया जाएगा विश्व शतरंज दिवस। ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं? मिताली राज पहुंच गई हैं, आपको पता ही होगा। मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे ने किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? मिस इंडिया US 2021 से। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी OIC देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी, मथुरा तेल रिफाइनरी में करेगी। दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन के स्पेसशिप में न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की? तो ये जेफ बेजोस ने शुरुआत की थी, है ना। माफ कीजिएगा, पॉज हुआ था फिर कहाँ चला गया। ठीक है, ब्लू ओरिजन के स्पेसशिप, तो ये जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं, इन्होंने अपनी यात्रा की थी। इसके बाद किस देश ने S-500 वायु सुरक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया? रूस ने। इसके बाद 20 जुलाई 2021 को पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो पेड्रो कॉस्टलो। फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरफुल वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? फेडी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया 2020-21 का? संदेश झिंगम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना? बाला देवी। अब देखो, 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसको मिल गई? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होंगे ये। किन दो देशों के मध्य सूर्य किरण अभ्यास का 15वां संस्करण आयोजित किया गया? भारत और नेपाल के बीच किया गया। अच्छा, ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पैट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभिनेत्री पूजा हेगड़े को बनाया। यूनेस्को ने किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया? लिवरपूल। ठीक है, ये 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया? लिवरपूल, इंग्लैंड का एक शहर था। ठीक है, अच्छा कौन सा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस। मस्तिष्क बढ़ाइए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। RBI ने किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? मास्टर कार्ड को। ठीक है, मास्टर कार्ड और नए कार्ड अभी जारी नहीं कर पाया। किन दो देशों की नौसेनाओं ने पैसेज अभ्यास पैसेक्स में भाग लिया? तो ये भारतीय नौसेना और UK की रॉयल नेवी ने। अच्छा, कौन सा दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो भारतीय पहलवान तनु ने जीता है भैया, है ना, याद रखिएगा ये बात। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तनु मैंने आपको बता ही दिया है।
पहली बार देश से बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहाँ खोला गया? दुबई में। दुबई नीट मतलब डॉक्टर के लिए, MBBS का नाम बदल के नीट कर दिया गया, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद फाइजर और बायो एनटेक ने कहाँ COVID-19 वैक्सीन उत्पादन करने का समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका में ही COVID-19 की वैक्सीन बनाएंगे। अच्छा, 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता, ठीक है। इसके बाद रजत पदक 49 किलोग्राम भार में जीता था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ बना है? तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद क्या है, SpaceX और NASA ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च किया है, करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर ये लोग अपना अब काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की? तो उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। वेरी IIMP किसे चुना गया है? तो पैरा सटलर प्रमोद भगत को चुना गया है। तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में चिन्हित किया है? तो काकतीय रुद्रेश्वर रंपा, है ना। इसके बाद क्या, सूचना अनुसार भारत में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये इंडोनेशिया में बनाने की घोषणा की गई है। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर इंपीरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वाइस एडमिरल विनय बदवार को। इसके बाद कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 22वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सा दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है? तो विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। केंद्र में खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी है? तो ये 236 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद है बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोक जोक, ठीक है, जोगा जोक। अब भारतीय नौसेना के जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्व तट पर किस अभ्यास में भाग लिया? कैटलेस एक्सप्रेस 2021 ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? जापानी छात्रा मोमोजी निशिया ने। इसके बाद किस देश ने के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक? चीन ने, ठीक है। यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन किस नगर को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो ये गुजरात के धौलवीरा को किया है, ठीक है। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? उज्बेकिस्तान। विदेश मंत्री कौन है? हमारे जयशंकर प्रसाद, ये शामिल हुए थे उसमें। इसके बाद क्या है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का कौन सा शहर बन गया है? पुरी उड़ीसा, ठीक है। ओलंपिक में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गए? तो ये जापान की मोमोजी निशिया हैं, ये 13 साल में स्वर्ण पदक जीत गई हैं। और मैंने जैसा ही वीडियो में पहले बताया, हमारे यहाँ के पबजी में चिकन डिनर भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कौन सा दिवस मनाया गया? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस उत्पादन के मंजूरी देने वाला देश का पहला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो फिलीपींस बन गया है। अच्छा देखो, ये आपको संशोधित यानी जो राइस वगैरह होते हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये जी रहते हैं जो जर्नल की क्या कहेंगे इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड GM राइस वगैरह रहते हैं। ये गोल्डन राइस जैसे, ये विटामिन ए की इसमें मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, इस तरह से ये बीमारियों को फ़ायदा करते हैं, इसी टाइप के और भी बनते हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अच्छा,
कौन सा दिवस 28 जुलाई को मनाया गया, तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया, तो उड़ीसा का पुरी, ठीक है। अच्छा 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, बाघ दिवस सॉरी। इसके बाद है किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरण योजना बनाई है, तो मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना है, ठीक है, ये आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसके बाद है किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्योतक बनो अभियान शुरू किया, राजस्थान सरकार ने। ब्राज़ील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला, तो सीटियो बुरले मार्क्स, ठीक है। अमेरिका ने कहाँ में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने का एक समझौता किया, तो इराक में ये उन्होंने अपना युद्ध मिशन ख़त्म कर दिया है। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है मिशिगन की वैदेही डोंगरे ने। किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक विधेयक पारित किया, तो यह बिहार की। अच्छा ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितनी हिस्सेदारी की मंजूरी दी है, तो 8.23%। इसके बाद ये आखिरी कौन सा दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि यदि आपको आगे अगस्त का पढ़ना है, ठीक है, ये यहाँ पे जिसमें कि मैं बताऊँगा 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।